हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में स्टार स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी स्टार स्टॉक्स की सीरीज में हम ऐसे शेयर्स के बारे में बात करते हैं जो कि रियली स्टार होते हैं, और ये शेयर हम डिस्कस करेंगे। पहले आप देखिए हमारा ये डिस्क्लेमर जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने स्टार स्टॉक्स सीरीज की। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पांच फैक्टर्स होते हैं किसी भी शेयर को खरीदने के लिए। ये फैक्टर्स हैं फंडामेंटल्स, यानी कि हमें ये देखना है कि कंपनी का फंडामेंटल सही है या नहीं है। दूसरी हमें देखनी है कि कंपनी ग्रोथ कंपनी है या नहीं, और उसके बाद में हमें देखना होता है कि वैल्यूएशन, क्या हम जो स्टॉक खरीद रहे हैं उसकी शेयर प्राइस जो है वो सही है या ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, वो हमें देखना होता है। चौथी चीज जो हम देखते हैं वो होती है डिविडेंड की, यानी हमें ये देखना होता है कि कंपनी डिविडेंड पे करती है या नहीं। और पांचवी और अंतिम चीज जो हम देखते हैं वो होता है सेफ्टी और रिस्क। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी बैंकरप्टसी की कगार पर खड़ी हो और हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सारे जो पांच फैक्टर्स होते हैं, हम उनका इवैल्यूएशन करेंगे। हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं और उसके हिसाब से हम कंपनी को इवैल्यूएट करने के बाद में कंपनी को उसमें स्टार देंगे। तो हम देखेंगे कि कंपनी कितने स्टार इसमें पाती है, एक स्टार, दो स्टार से लेकर पांच स्टार तक कंपनी इसमें पा सकती है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आज जो हमने स्टॉक चुना है वो कौन सा स्टॉक है। हमारा आज का स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का। जी हाँ, आज हम इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये स्टार स्टॉक्स बनता है या नहीं। तो यहाँ पर इंजीनियर्स इंडिया के बारे में बता दें कि ये एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर काम करती है। ये 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो काम है वो इंजीनियरिंग और रिलेटेड टेक्निकल सर्विसेज है पेट्रोलियम रिफाइनरीज और अदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए। इनके काम इंडिया और बाहर के देशों में भी इसके काम होते हैं। तो ये एक कैसी कंपनी है, ये सब हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसका जो NSE पर कोट है, कल शाम को यानी कि 12 अगस्त को इसका जो कोट था वो था 65.50, और ये एनालिसिस मैंने 12 अगस्त को किया है। आज 13 अगस्त को मैं इस वीडियो को YouTube पर डाल रहा हूँ। तो ये सब हम देखेंगे अपने इस एनालिसिस में। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं अपना सबसे पहला फैक्टर, वो है फंडामेंटल्स का। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम फंडामेंटल्स में पाइथ्रोस की स्कोर की मदद लेते हैं, और हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। हमने इसका पाइथ्रोस की स्कोर का मैंने एनालिसिस किया है और मैं जस्ट आपको उसकी समरी दिखा देता हूँ। इसका पाइथ्रोस की स्कोर बहुत अच्छा आया है और ये 7 आया है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जनरली हम यहाँ पर वो कंपनी सिलेक्ट करते हैं जिनका पाइथ्रोस की स्कोर 5 या उससे ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर इसका स्कोर 7 आया है जो कि ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी का स्कोर होता है। इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को एक स्टार देते हैं और अपने मेन स्कोर बोर्ड में आते हैं, यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं एक स्टार। हमारा पहला फैक्टर कंप्लीट होता है और अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर में। हमारा दूसरा फैक्टर है ग्रोथ का। हमें ग्रोथ के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टॉक हम खरीद रहे हैं क्या वो एक ग्रोथ स्टॉक है या नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है जहां पर कि हमारा वैल्यू एप्रिसिएशन हो। लेकिन जनरली होता क्या है कि यदि हम हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर कंपनीज के पी रेशियो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें एक ऐसी चीज की तरफ देखना होता है कि उसका पी रेशियो भी रीजनेबल हो और हमें जो जिस कंपनी को हम खरीदना चाहते हैं वो कंपनी हम खरीद सकें एक सही प्राइस पर। तो इसके लिए एक टूल डेवलप किया है जो कि है PEG रेशियो का, यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो। इसमें हम PE रेशियो का भी ध्यान रखते हैं और कंपनी के ग्रोथ का भी ध्यान रखते हैं। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये कंपनी का PEG रेशियो कैसा है। सबसे पहले मैं आपको PEG रेशियो के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ डाटा है, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, और जो राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ये है PEG रेशियो का फॉर्मूला। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। PEG रेशियो का कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं कि प्राइस टू
प्राइस टू अर्निंग्स पर शेयर यानी कि जिसे हम पी रेशो कहते हैं, ये है हमारे ए हम उसको कहेंगे, और एक होती है ईपीएस ग्रोथ। तो ये हमारी ईपीएस ग्रोथ होगी ईयर टू ईयर, इसको हम बी कहेंगे। और हमारा जो पीईजी रेशो होगा वो ए डिवाइडेड बाय बी होगा, और जो आइडियल पीईजी है वो 1 होता है, यानी कि यदि पीईजी 1 से कम है तो हम कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल इसके एनएससी के रेट थे 65.50, और इसका जो ईपीएस है इस साल का ये था 6.71, और लास्ट ईयर का ईपीएस था इसका 5.85। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ये रहा इसके ईपीएस, आप देख सकते हैं 6.71 और 5.85। तो हम इन डाटा के साथ में इसका कैलकुलेशन करेंगे। हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसका पी रेशो का कैलकुलेशन यानी कि ए का कैलकुलेशन, और उसके बाद में हम करेंगे बी कैलकुलेशन जो कि है ईपीएस ग्रोथ का। तो सबसे पहले लेते हैं हम ए का कैलकुलेशन जो कि है पी रेशो। तो यहाँ पर हम शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस करेंगे जो कि 65.50 डिवाइडेड बाय 6.71, तो ये आ रहा है 9.76। और अब हम करेंगे कैलकुलेशन ईपीएस ग्रोथ का, आप देखिए पिंक बॉक्स में। तो यहाँ पर ईपीएस ग्रोथ में हम इसका जो करंट ईयर का ग्रोथ है ईपीएस है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की ग्रोथ जो कि है 5.85 माइनस 1, तो ये आ रहा है 15%। तो आप इन दोनों फिगर्स को याद रखिएगा, ए है 9.76 और बी है 15%। और अब हम इसका पीईजी रेशो निकालेंगे यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी, जैसा कि हमने फॉर्मूला में देखा था। तो यदि हम इसका पीईजी रेशो निकालते हैं तो यह आता है 9.76 डिवाइडेड बाय 15, तो यह आ रहा है 0.66। तो यहाँ पर ये हमारा जो लिमिट है इसकी पीईजी रेशो की वो है 1 की, तो ये 1 से कम आया है और इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 स्टार, अपने हम मेन स्कोर बोर्ड में आते हैं और कंपनी को देते हैं 1 स्टार। तो अब तक कंपनी ने 2 स्टार इसमें अचीव कर लिए हैं, हमारे 2 फैक्टर सब तक हमने डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा फैक्टर जो कि है वैल्यूएशन का फैक्टर। तो आइए चलते हैं, वैल्यूएशन को हम किस तरह से लेते हैं। हमें हमेशा एक ऐसा स्टॉक खरीदना चाहिए जो कि ओवर प्राइस नहीं हो। तो मार्केट में ये बड़ी दिक्कत होती है कि हम कैसे ओवर प्राइस शेयर को ना खरीदें। इसके लिए जनरली हम लोग जो टूल यूज़ करते हैं वो करते हैं पी रेशो। हम पी रेशो देखते हैं कि अरे ये पी रेशो यदि ज़्यादा है मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शेयर है, या हम प्राइस टू बुक रेशो देखते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक फॉर्मूला है जो कि प्रोफेसर ग्रहम ने डेवलप किया था, और ये इन्होंने ग्रहम नंबर का इन्होंने इसका नाम दिया। आइए जानते हैं वो क्या है ग्रहम नंबर और किस तरह से हम इसका यूज़ करके किसी भी शेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बाइंग के लिए। तो यहाँ पर जो ग्रहम नंबर है वो होता है 22.50 मल्टीप्लाइड बाई अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाई बुक वैल्यू पर शेयर, और इनका जो प्रोडक्ट आता है उसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये है 22.5 मल्टीप्लाई बाय अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये फॉर्मूला है ग्राहम नंबर, एक वेल एस्टेब्लिश्ड फॉर्मूला है और सभी लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रे बॉक्सेस में हमारे डाटा है, और ये है प्राइस हमने लिया है अर्निंग पर शेयर जो कि करंट ईयर का होगा, और बुक वैल्यू पर शेयर। अब आप कहेंगे कि ये डाटा मैंने कहाँ से लिया, तो आप देखिएगा ये डाटा मैंने यहाँ से लिया है। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 38.08, और ऑलरेडी हम ईपीएस को देख चुके हैं पिछले उसमें जब हमने इसका पीजी रेशियो कैलकुलेट किया था वो था 6.71। तो यहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक चीज देखिए जो कि पिंक बॉक्स में है, और इसका जो थंब रूल ये है कि यदि जो ग्राहम नंबर है इज द मैक्सिमम प्राइस एन इन्वेस्टर शुड पे, यानी ग्राहम नंबर जो होगा हम उस प्राइस को वहां तक हम प्राइस को पे कर सकते हैं, यानी हम उस रेट तक का शेयर को खरीद सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि ग्राहम नंबर 65.50 से ज्यादा है या कम है। यदि ये 65.50 से ज्यादा होगा तो हम इसको खरीद सकते हैं आज की डेट में। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं,
और हमने कैलकुलेशन किया है ग्राम नंबर को, तो आप देख सकते हैं 22.50 मल्टीप्लाइड बाई 6.71 मल्टीप्लाइड बाई 38.08, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 5749। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 75.80। तो आपने देखा यहाँ पर जो ग्राम नंबर है वो ज्यादा है और शेयर प्राइस कम है, तो ये एक आइडियल है, यानी कि ये एक अंडर वैल्यूड शेयर है, और इसलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इस फैक्टर में कंपनी को एक स्टार देंगे और हमारा जो वैल्यूएशन है स्कोर बोर्ड में उसको हम यहाँ पर एक और स्टार देंगे। तो अब तक कंपनी ने 3 फैक्टर्स में 3 स्टार अचीव कर लिए हैं, बहुत शानदार इसका परफॉर्मेंस चल रहा है अभी तक। अब हम लेते हैं इसका आखिरी फैक्टर जो कि है, सॉरी अभी आखिरी नहीं है, ये चौथा है, डिविडेंड। हम इसमें देखते हैं कि डिविडेंड में क्या होता है। जनरली हमें एक ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करना होता है कि जो एक ऑलरेडी डिविडेंड देती हो, लेकिन क्या होता है कि डिविडेंड पेइंग कंपनी की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो हमें उसके लिए ये देखना है कि कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है ये एक सबसे अच्छी चीज़ है। उससे हमें पता चलता है कि कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो कितना, वो डिविडेंड पे करती है और उसकी क्या प्राइस है। तो इससे हमें पता चल जाएगा, जब हम डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आइडियल डिविडेंड यील्ड है वो 1 है, हालांकि हम 0.60 पर इसको ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 1 रखा हुआ है अपने एनालिसिस करने के लिए। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको बता दूं। डिविडेंड यील्ड के लिए हम एनुअल डिविडेंड जो मिलता है कंपनी का उसको हम डिवाइड करते हैं करंट स्टॉक प्राइस से। तो जो डिविडेंड यील्ड आती है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। यदि ये 1 से ज़्यादा है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये हम मानेंगे कि ये एक रीजनेबल इसका डिविडेंड यील्ड है। तो यहाँ पर 2 डाटा थे जो कि हमें चाहिए थे, शेयर प्राइस और एनुअल डिविडेंड। ऑलरेडी मैंने ये आपको बताया था कि डिविडेंड पर शेयर 5.15 है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड यील्ड, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 7.86। तो ये काफ़ी अच्छा है, जबकि हमें चाहिए था केवल 1 और ये आ रहा है 7.86। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कहेंगे कि ये एक अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है, और इस वजह से हम यहाँ पर कंपनी को एक और स्टार देंगे। और अब तक हम इसको 4 स्टार दे चुके हैं, इसमें भी इसको 1 स्टार मिल गया है। और अब हम चलते हैं आखिरी फैक्टर में, जो कि है सेफ्टी और रिस्क, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो हमें ये देखना होता है कि कहीं कंपनी बैंक्रप्सी की कगार पर तो नहीं खड़ी हुई है, लेकिन हम उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल, अर्निंग, रिटेन अर्निंग, एसेट्स, लाइबिलिटीज, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पहले डिस्कस करी हैं उन सबको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है किसी भी कंपनी की बैंक्रप्सी को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा टूल है वो है ऑल्टमैन का जेड स्कोर, जो कि मिस्टर ऑल्टमैन ने डेवलप किया था, और इन्होंने ये कई साल की मेहनत के बाद में इसको एनालिसिस करके इसको डेवलप किया। अब ये होता क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें जो बेसिकली एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है, और उसमें ये सारे फिगर्स लगते हैं जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। फिलहाल मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ। तो इन्होंने जो कैलकुलेट किया ऑल्टमैन जेड स्कोर जीटा, और ये जीटा होता है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 1.4 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस 3.3 मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस 1.0 मल्टीप्लाइड बाई ई। और यहाँ पर ए बी सी डी ई क्या है ये आप देख रहे हैं, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये आप सब देख रहे हैं, डिवाइडेड बाई टोटल एसेट भी है, सी में है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डी में है मार्केट वैल्यू, और ई में है सेल्स। और इन सभी को हम टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे, एक्सेप्ट डी जो कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इसको बुक वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटीज से करते हैं। तो ये सारा एक कॉम्प्लिकेशन है इसमें कैलकुलेशन में, लेकिन जो आप यदि बॉक्स में देखेंगे उसमें यदि कंपनी का स्कोर 2.99 के ऊपर है तो वो एक सेफ जोन वाली कंपनी होती है, और यदि 1.81 के ऊपर है तो वो कंपनी आपकी होती है 2.99 तक यदि है तो वो एक ग्रे जोन वाली कंपनी होती है, और यहाँ पर यदि कोई कंपनी का स्कोर 1.81 आता है तो वो डिस्ट्रेस जोन वाली कंपनी होती है, और हमें डिस्ट्रेस जोन वाली कंपनी के शेयर नहीं खरीदना चाहिए। तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर डाटा बनाया हुआ है, और हम ये एनालिसिस आपको ऑनलाइन करके दिखाएंगे, और आप देखिएगा कि इसका स्कोर जो है ये
1.81 से ज्यादा आ रहा है या नहीं। यदि ये 1.81 से ज्यादा आ रहा है तो हम कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखिए इसको, तो आपने देखा कि कंपनी का जो स्कोर है वो 1.81 से ज्यादा आ रहा है जेड स्कोर। तो यहाँ पर हम कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और कंपनी को यहाँ पर भी हम एक स्टार देंगे और अपने मेन स्कोर बोर्ड में आकर के हम कंपनी को एक स्टार देंगे। और यहाँ पर ये हमारा एनालिसिस पूरा हुआ। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की जो रेटिंग है वो एक 5 स्टार की रेटिंग है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।